संतप्त मान से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिछड़े हमारे। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सुखाधिकार गाथा नंबर 61-62 चलानी। गाथा का पाठ कर इस प्रैक्टिस का पदार्थों के पार को प्राप्त कर लिया है और दर्शन लोकालोक का दर्शन करने वाला है। सारे जितने अनिष्ट थे वे नष्ट हो गए हैं। सार घातिया कर्मों का अभाव होने से जितने भी इष्ट हैं वे सब उपलब्ध हो गए हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत विधि, चारों अनंत चतुष्टय जिन्हें प्रकट हो गए हैं उनके ही वास्तविक सुख है। घातियों से रहित सुख ही परम सुख यह श्रवण कर। अब ये कहते हैं घातियों से रहित माना घातिया कर्म जिनके नष्ट हो गए उन केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा के 13वें गुणस्थान में से ऊपर आगे ही परम सुख है, उसके पहले वास्तविक सुख नहीं है। चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक भी इस सुख जो आत्मा के आश्रय से सुख होता है वो इसी का अंश जैसा है, लेकिन यहाँ जब तक वो परिपूर्ण नहीं हो तब तक उसे पूरी तरह से सुख नहीं माना। यद्यपि मिथ्या दृष्टियों को रंच मात्र भी ये सुख नहीं है और सर्वज्ञ परमात्मा को परिपूर्ण सुख है। अब चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीवों में इसका अंश तो विद्यमान है ना। यूं चिंत निज में थिर भय बिना कत जू आनंद लहो, तो वो है उसकी यहाँ बात नहीं कर रहे। अब वो ये कहते हैं कि इस बात को सुनकर अभव्य जीव जो श्रद्धा नहीं करते हैं वे अभव्य हैं और भव्य जीव इसकी श्रद्धा करते हैं। अब इसमें जरा थोड़ा बचाने की बात ये है कि जो श्रद्धा नहीं करते हैं वे अभव्य हैं कि अभव्य श्रद्धा नहीं करते हैं। दो वाक्य बना दो सुनो कि अभव्य इस बात की श्रद्धा नहीं करते हैं और भव्य इस बात की श्रद्धा करते हैं। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है कि यदि हम ऐसा कहते हैं कि अभव्य इसकी श्रद्धा नहीं करते हैं तो वो बात बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि जो श्रद्धा नहीं करते हैं वे अभव्य हैं, तो वो बात में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है
कि अभी श्रद्धा नहीं करते हैं कि कभी श्रद्धा नहीं करेंगे। अभी श्रद्धा नहीं करते हैं तो उनको अभव्य कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी परिभाषा तो नहीं बन सकती, क्योंकि अभी नहीं कर रहे हैं और एक घंटे बाद कर सकते हैं। और अर्ध पूर्व में परावर्तन बीत जाए और उसके बाद कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि दो बातें मेरे बहुत स्पष्ट हैं कि जो अभी श्रद्धा नहीं करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है, जो कभी श्रद्धा नहीं करेंगे वे अभव है। यहाँ कोई एक कहने का कोई अर्थ नहीं है कि आज वो नहीं मानते हैं तो भविष्य में भी अनंत काल तक उनको श्रद्धा नहीं होगी, ऐसा कहने में देश जैसा लगता है। जैसे कि अपने देश में किसी को कहते हैं ना कि भाई ये अनंत काल तक के दुख भोगेगा, ये सुनता नहीं है, ऐसी खराब प्रवृत्ति है, तो नौबत जाएगा और अनंत काल तक के दुख भोगेगा। ऐसा लगता है हम शराब दे रहे हों उसे। वस्तु स्वरूप तो ये है कि जब तक इस बात को वो स्वीकार नहीं करेगा तब तक दुख भोगेगा, और जिस दिन स्वीकार कर लेगा उस दिन वो दुख नहीं भोगेगा। तो ऐसा ही अर्थ है यहाँ पर, मतलब बोलने में किसी कवि को या लिखने में या छंद बनाया है इसमें वृंदावन जी ने, उनमें कहीं आपको वैसा अर्थ भाषित हो तो वैसा अर्थ नहीं समझना, यही अर्थ समझना। इसकी टीका पढ़ते हैं। एक तरीके से जो वो ज्ञान की चर्चा चल रही थी, केवल ज्ञान से आत्मा युक्त गारंटी से सुखी है, तो केवल ज्ञान और अनंत सुख एक ही बात है, दोनों में अभेद स्थापित करके बात कर रहे थे, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है, स्थिति एक साथ रहती है, अनंत अनंत काल तक भी दोनों एक साथ रहेंगे, और वैसे वो क्षेत्र से प्रदेश भेद भी उनमें कभी नहीं होगा, है असंख्य प्रदेशों में ही अनंत सुख अनंत ज्ञान रहेगा, तो इस दृष्टि से उनमें कोई अंतर नहीं है। और अब बाद में ये कहकर कि उनने सारा निरूपण तो कर दिया, कोई ना माने और माने है ना, वो तो उनके हाथ में नहीं है ना, तो वो तो यही कह सकते हैं कि यदि तुमने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो इसकी कितना बड़ी सजा है, कोई सजा मैं दूंगा ये बात नहीं है। बात तो एक, मैं तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहा हूँ, कहना है ना, मैं तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहा हूँ, क्योंकि असली बात ये है कि केवल ज्ञान की श्रद्धा जिसको नहीं होगी, चाहे अनंत सुख की श्रद्धा जिसको नहीं होगी, वो अभव्य नहीं तो मिथ्या दृष्टि तो पक्का है। और यदि उसे आत्म कल्याण करना पड़ेगा तो ये एक ही रास्ता है, आज मानो काले मानो चाहे अनंत काल बाद मानना। मैं एक बात ये बता रहे कि इसका कितना बड़ा लाभ है और इसके नहीं मानने से कितनी बड़ी हानि है, उसका वो अंदाज उन्होंने कराया है। कोई ये गाली नहीं दी हम कह गए तुम्हें कि तुम्हें ऐसा नहीं हो, अभिशाप भी नहीं दिया कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो बहुत दुख उठाओगे कि ऐसा होगा ऐसा, वो तो उन्होंने वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। स्वभाव प्रतिघात का अभाव ही सुख का कारण है, माने स्वभाव का प्रतिघात नहीं होना यही वास्तव में सुख है। और ज्ञानानंद तो भगवान आत्मा का स्वभाव है। देखो यहाँ जो ज्ञान और सुख
कुछ जिस तरह अभेद बताया है इन सबसे मैं ये इस गीत का महत्व ख्याल में आता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इसमें मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मराम वर्णी जी ने भी कहा, वो भी बहुत बढ़िया है, निंदा की बात नहीं है। लेकिन ज्ञान दर्शन, दर्शन तो सामान्य अवलोकन का नाम है, और ये तो आप जानते हो कि उसमें सम्य को मिथ्या का भेद भी नहीं होता। कई सम्य दर्शन अगर मिथ्या दर्शन का भेद नहीं होता, सम्य दर्शन और मिथ्या दर्शन तो वो श्रद्धा गुण भी पर्याय है। ये दर्शन गुण भी पर्याय तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन है, तो उसमें सम्यक मिथ्या का भेद नहीं होता। और ज्ञाता दृष्टा आत्म राम कहने में तो दृष्टा में वो चीज आती है, और ये जो प्रत्येक साल में ज्ञान और सुख का जोड़ा बताया है अनंत काल तक के लिए कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो कहते स्वभाव का प्रतिघात का अभाव ही सुख का कारण है। अब ये भाषा है, सीधी सच्ची की बात तो वही है कि सुख केवल ज्ञानी अनंत सुखी है, इतनी सी बात है। लेकिन जैसे बैंक में की इबारत होती है ना, जिसमें लिखा था इनको 10 करोड़ रुपया दिए, जिसके आधे 5 करोड़ होते हैं, हैं और जिसके पाव इतने होते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो तुमको हम कब पूछते हैं इसके आधे कितने होते हैं, क्योंकि वो 10 करोड़ में एक बिंदी बढ़ाकर, आप समझे ना, कोई गड़बड़ ना कर दे, एक बिंदी मिटाकर कम ना कर दे, तो इसलिए उसकी ऐसी भाषा अंक में अक्षरों में लिख लिख करके उसे पक्का करते हैं, आप समझे ना, तो उनकी भाषा ही है। ऐसे न्याय शास्त्र की ये भाषा है, स्वभाव का प्रतिघात का अभाव। अब एक एक प्रतिघात में अभाव है और फिर अभाव में अभाव है, और अभाव से अभाव कट जाता है तो सद्भाव हो जाता है। एक बटा 10 और 10/100 में क्या अंतर है, तो वो कहते हैं कि नीचे का जो एक शून्य है ना, ऊपर के एक शून्य से कट जाता है। तो 10/100 लिखा हो तो 1/10 कर दोगे तो उसका वही अर्थ रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन फिर ये लगाया क्यों, तो लगाया है उसमें विशिष्ट प्रयोजन रहता है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि आपके पास 20,000 रुपये करीब होंगे, अब उसे जवाब देना है, तो वो क्या कहता है, आप बताओ तो काय के लिए चाहिए, पैसे की क्या कमी। तो सीधी बात कहते ना, है इतने में उत्तर हो सकता है। उसने पूछा कि आपके पास 20,000 रुपया है क्या, आप कह सकते हैं या नहीं है बस। लेकिन वो ऐसा नहीं बोल के, ऐसा बोलता है कि पैसों की क्या कमी, बोल तो किस बात के लिए चाहिए। इसका अर्थ ये है कि वो ऐसा कह के कि पैसे हैं, तो अभी हाल तू कहेगा कि मुझे चाहिए दे दे, और यदि तूने जो काम बताया वो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे जाके दाव लगाना है, क्योंकि वहां पर यदि मैं 20,000 का दाव लगाऊंगा तो 2 करोड़ रुपया मुझे मिल जाएंगे। तो वो कहता दाव लगाने के लिए तो मैं तेरे को नहीं दूंगा। फिर समझाएगा कि दाव लगाने का धंधा तुम छोड़, और तुम बहुत जरूरी बताएगा कि इलाज कराना है, बच्चे की फीस भरना है, तो दे देगा। माने वो देना तो उसे है तुम्हें, लेकिन ये समझ के देना है कि तुम किस काम में उस पैसे का उपयोग करोगे, तो ये बात वो पहले जानना चाहता है। इसलिए कहता किस लिए चाहिए बोल, तो तू ये बता तेरे पास है कि नहीं है। तो वो कहता है पैसे की क्या कमी। अब इतना हाँ है कहने में
तो पैसे की क्या कमी कहने में इतना रास्ता है कि जब वो नहीं देने लायक बात होगी तो मैं कहूंगा कि बैंक में हम पड़े हैं, आज तो संडे है, रक्षाबंधन है, कल संडे है, तो बैंक खुलेगा परसों, तब सोचूंगा। तुम बोल, मेरा मतलब अभी वो तत्काल नहीं मान सकता, वो टाल सकता है कि पैसे की व्यवस्था कहीं नहीं होंगे मेरे पास, तो कहीं से लाके भी दिए जा सकते, कोशिश करेंगे क्या। और यदि वो ये कह देता कि हैं और नहीं है कह देता है तो फिर उसे देना है, क्योंकि उसको इतना जरूरी काम है कि उसे देना ही है, कहीं से भी लाके देना है, तो है तो वो दे देगा। तो जैसे कुछ विशिष्ट प्रयोजन है, ऐसे ही वो उसमें कोई दाव पेच नहीं निकल जाए तो उसको कहते केवल क्या स्वभाव प्रतिघात का अभाव ही सुख का कारण है। अब कहते स्वभाव ही सुख का कारण क्यों नहीं कहते, अभी तो तुमने कही था ना प्रतिघात माने भी अभाव होता है और अभाव माने भी अभाव है, तो इनको दोनों को हटा दो तो फिर स्वभाव ही सुख का कारण है, यही हुआ ना। तो ऐसे लिखते थे स्वभाव ही सुख का कारण है, कहते स्वभाव तो है अनादि काल से, सारे लोकालोक को जानना ही इसका ज्ञान का स्वभाव है, पर अनादि काल से जान नहीं रहा है ना, तो कहते स्वभाव का प्रतिघात विद्यमान है, और प्रतिघात माने वही घातिया कर्म, तो स्वभाव प्रतिघात का अभाव ही सुख का कारण है। आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान है, केवल ज्ञानी के उनके प्रतिघात का अभाव है, क्योंकि दर्शन लोकालोक में विस्तृत होने से और ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त होने से दर्शन ज्ञान स्वच्छंदता पूर्वक विकसित हैं, यानी पूरे खिल गए हैं, स्वच्छंदता पूर्वक विकसित है माने ज्ञान का भी पूर्ण निर्मल प्रणमन हो गया है और दर्शन का भी पूर्ण, केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार स्वभाव के प्रतिघात के अभाव के कारण सुख अभेद विवक्षा से केवल ज्ञान का स्वरूप है। अब वो दो चीजों ले ली ने, कौन कौन, ज्ञान और दर्शन, अब चार चीजें हैं ना अनंत चतुष्टय में, ज्ञान दर्शन सुख और बीज। तो कहते हैं सुख को, सुख इनका अभिनव भावी है, जिसके ज्ञान और दर्शन में प्रतिघात का अभाव होगा तो उसके गारंटी से सुख में प्रतिघात का अभाव होगा, सुख के प्रतिघात का भी अभाव होगा। वास्तव में सुख में जो विरोधी माना जाता है वो कौन सा कर्म है, मोहिनी है, पर मोहिनी ज्ञान दर्शन के, ज्ञानावरण दर्शनावरण के पहले एक समय पहले ही नष्ट हो जाता है। कहाँ लिखा पता, मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरण क्षयात च केवलम, क्या अर्थ है इसका, मोह के क्षय से और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है। तो वहां प्रश्न किया कि चारों का एक साथ क्यों नहीं कह दिया, मोह ज्ञान दर्शन और वीर इन अंतराय कर्म इनके क्षय से, ऐसा मोह क्षयात पहले अलग किया और ज्ञान दर्शन के बाद में अलग किया, इसका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा वो एक समय पहले होता है, ये बताने के लिए मोह के क्षय हो जाने पर ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षय हो गया और उससे फिर घातिया कर्म का अभाव। तत्वासूत्र का सूत्र है ना, उसमें ये बात है, पढ़ा तो होगा, सर्वासिद्धि पढ़ ली, सर्वासिद्धि नहीं तो आए कोर्स में, अब आएगी फाइनल में, तुम सेकंड ईयर के नहीं हो, इस साल हो।
अच्छा केवल ज्ञान से एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात यह है कि केवल ज्ञान सुख ही है, क्योंकि सर्व अनिष्टों का नाश हो गया है और संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति हो चुकी है। ऊपर तो कहा था प्रतिघात का अभाव है, और यहाँ सर्व अनिष्टों का नष्ट हो गए हैं और इष्ट की प्राप्ति होगी। यहाँ पर वो मोहिनी कर्म के अभाव की बात है, वो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के अभाव की बात थी, ये मोहिनी कर्म के अभाव की बात है। माने इस तरीके से उनको जो चाहिए वो सर्व इष्ट की प्राप्ति हो गई है और सर्व अनिष्ट का नाश हो गया है। मंगलाचरण कहा ना, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार के लिए हम मंगलाचरण करते हैं, तो जो भी बात थी वो यही थी ना। देखो जैन दर्शन में सर्वोत्कृष्ट जब भी मंगलाचरण करते हैं ना, तो इसको अनिष्ट के नाश और इष्ट की प्राप्ति की बात करें तो कहीं कोई निषेध नहीं करता, और पंचेंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति उन्हें हम इष्ट माने, और जो पांच इंद्रियों को अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें अनिष्ट माने, उनकी प्राप्ति और परिहार की बात करें तो हमको वो इष्ट नहीं है, है ना। माने कहने का मतलब ये है कि अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान की मांग है, वो मांग नहीं है, क्योंकि वो तो स्वभाव है। केवल ज्ञान की अवस्था में सुख की सुख प्राप्ति के विरोधी और दुखों के साधन भूत अज्ञान का संपूर्णतया नाश और सुख के साधन भूत पूर्ण ज्ञान का उत्पाद इस बात को प्रमाणित करते हैं कि केवल ज्ञान सुख स्वरूप ही है। अधिक विस्तार से क्या लाभ। अपन को भी लगता है कि भाई इतना तो कह लिया, हमें सब ख्याल में आ गई ना बात, फिर भी बार बार आचार्य उस बात को कह रहे हैं ना, तो हमको भी ये लगता है कि भाई घटिया कर्म का अभाव हो गया है, अनिष्ट हैं जी ये नहीं है, और केवल ज्ञान हो तो अनंत सुख होता है। वो सब अपने ये बातें अपने लिए अपरिचित तो नहीं रही ना। पहले भी ऐसा नहीं कि प्रवचन सार की एक गाथा पढ़ी तभी अपन को ये पता चला हो, पहले से भी अपन को पता तो है, लेकिन कोई भी प्रकरण को जब स्पष्ट करते हैं तो उसे पूरी तरीके से स्पष्ट करना आचार्य समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि केवल ज्ञान सुख स्वरूप ही है, अधिक विस्तार से क्या लाभ। माने केवल ज्ञान में और अनंत सुख में अभेद स्थापित किया हमने, केवल ज्ञान की तुमको बात बता दी तो अनंत सुख की बात भी उसमें हो ही गई, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो अनंत सुख की प्राप्ति होगी ही। अभी आप ये देखो कि केवल ज्ञान का स्वरूप हमारी समझ में नहीं आएगा तो इस अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप भी हमारी समझ में नहीं आएगा। तब तक हम जो इंद्रिय सुख है, जो वास्तव में सुख नहीं है, अब जिसकी चर्चा अगली गाथा से शुरू होगी, उसको ही हम सुख मान के बैठेंगे क्या। इन दोनों की प्राप्ति एक साथ ही होती है, और एक बात ये भी है कि इन दोनों की उपलब्धि चौथे गुण स्थान से हो जाती है। अब ये तो हम तेरहवें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, तो चौथे गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान तक की इतनी उपेक्षा क्यों, उपेक्षा कहाँ कर रहा है। अभी कह रहे ना कि इसकी जो श्रद्धा करेगा वो भव्य है, अरे वे तो उसको तो मिथ्या दृष्टि नहीं अभव्य तक कह रहे हैं, आप समझिए ना, वे तो मिथ्या दृष्टि नहीं अभव्य तक कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तो सर्वज्ञता का निर्णय करना बस ये ही सबसे बड़ा काम है, और अतीन्द्रिय सुख का स्वाद भी तुम्हें तभी आएगा, सम्यक ज्ञान भी तभी होगा, अतीन्द्रिय सुख का स्वाद भी तभी आएगा। तो जब तक सम्यक ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का साथ नहीं हो तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो अलग बात है कि सम्यक दर्शन के कारण सम्यक ज्ञान को कार्य कहा है, लेकिन दोनों की उत्पत्ति तो एक समय में ही होती है ना। पर हमारा तो जो प्रयत्न होगा वो ज्ञान के
क्षेत्र में होगा ना, श्रद्धा के क्षेत्र में हमें क्या करना है, खुद ज्ञान सम्यक हुआ तो श्रद्धा सम्यक हो जाएगी। कहा यह जाएगा कि श्रद्धा सम्यक हुई इसलिए ज्ञान सम्यक हुआ, लेकिन हमको तो प्रैक्टिकल तो हमको क्या देखना है वो तो हमें समझ में आएगा ना। हम क्या सब श्रद्धा के कहोगे तो ज्ञान सम्यक हो जाएगा, हम श्रद्धा में कोशिश करें, श्रद्धा में कोशिश चलती नहीं। छोटरामल जी ने मोक्षमार्ग कहा था, एक जगह लिख दिया कि ज्ञान पूर्वक से जब जानोगे नहीं तो श्रद्धा किस बात की करोगे, लिखा ना, इसलिए हम ज्ञान की बात करते हैं। तात्पर्य इतना है कि ये सर्वज्ञता का स्वरूप इतना अधिक महत्वपूर्ण है तो उसके बिना जैन धर्म की बात शुरू नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो भी उपलब्ध है धर्म के नाम पर वो सब सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के बिना एक भी बात हम सिद्ध नहीं कर सकते। 99% जो ज्ञान है वो आगम के आधार पर है, और जो इंद्रियों से हो सकता है तो वो हमारे काम का नहीं है। जिसको हमें जानना है वो चीज इंद्रियों से जानने में आती नहीं है, और वो तो सारे जगत की जैसी है वैसी हमारे पास है, हमसे वो सारे जगत में उसमें कोई अंतर नहीं है। यानी जैनी होने के लिए सर्वज्ञता की कितनी बड़ी आवश्यकता है, और आज सारे लोग उसकी उतनी उपेक्षा हो रही है। मतलब सर्वज्ञता का निर्णय करने के लिए कहीं कोई विशेष प्रयास नहीं है। हमारे समय में तो था, माना हमको तो न्याय प्रथमा, न्याय मध्यमा, न्याय तीर्थ सब में सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाई गई थी, लेकिन फिर भी ये अध्यात्म वाली दृष्टि ये रंग नहीं था उसमें, लेकिन कम से कम एक विषय तो था। अब तो विषय भी गायब है, अभी तुम्हारे शास्त्री के कोर्स में है कोई इतना ज्यादा कुछ क्या है जो तो सर्वज्ञता जिसमें आती हो तो पढ़ाई जाती हो, तुम्हारे कोर्स में क्या है? रत्नमाला है, आप परीक्षा वगैरह भी होगी ना, तो मेरे कहने का सर्वज्ञता आप परीक्षा में तो होगी ना, जो सर्वज्ञ वितरागी हो, वो हितोपदेशी हो, उसे हम भगवान कहते हैं, उसे आप्त कहते हैं, आप ने वो छिन्न दूसरे ने तो सर्वज्ञ की बात उसमें आई हुई है। तो सर्वज्ञ का निर्णय एक तो अत्यंत आवश्यक है, और दूसरी सर्वज्ञ का निर्णय होएगा तो फिर हमें जैन धर्म समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, फिर कुछ जैन धर्म समझना बाकी ही नहीं रहा। मैं समझ क्या कह रहा हूं, मैंने आ गया सर्वज्ञता समझ में आई तो पूरा जैन धर्म समझ में आ गया, सम्यक दर्शन की पक्की गारंटी है, उसके बिना वो आ ही नहीं सकता। वो पहाड़ के आप आगम ज्ञान से आ जाएगा, तर्क युक्तियों से आ जाएगा, सिद्ध कर देंगे हम, लेकिन वो जो सिद्धा जैसी अंदर से कहते हैं ना, अभवी मैं ऐसा इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस गाथा में लिखा है, देखो ऐसा क्या लिखा, जो सद्य हंति सौख्यम सुहेशु परमं विगत घादीणम सुन दून ते अभव्या भव्या वातम परिच्छन्ति। कि वो कहते जो इस बात की श्रद्धा करेगा कि जो सर्वज्ञ है वही अनंत सुखी है, ख्याल में आए ना, वो भव्य है, वो तो मतलब मिथ्या दृष्टि कहना चाहिए क्या, लेकिन वे अभव्य कह रहे हैं, ख्याल में, तो वे मतलब ये है कि आपको ये ज्ञान कराना चाहते हैं कि हमारा हमारी भव्य माने पात्रता ही इससे सिद्ध होती है, उसको भी इतना वचन देना चाहते हैं। मैं तो ऐसा कहा करता हूं कि जैन धर्म में दो गालियां हैं, एक मिथ्या दृष्टि और एक अभव्य, और मिथ्या दृष्टि
माने जो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, और अभव्य माने जो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होगी। बहुत गुस्सा आए, गाली दें तो ये दे रहे। अभी महान लोग कोई माँ बहन की गालियां थोड़ी देते हैं, कोई ऐसे ऐसे गंदे शब्द उनके मुंह से थोड़ी निकलते हैं। हमारे गुरु जी जो हमको पढ़ाते थे लक्ष्मी राम कौमदी वगैरह, तो उनकी एक प्रसिद्ध गाली थी विलक्षण। कैसा विलक्षण है, वे कुलक्षण नहीं कहते थे, आप सुने विशेष, तेरे लक्षण जैसे शिष्य के होना चाहिए वैसे नहीं है, उनसे कुछ अलग हटके हैं। यानी उनके मुंह से सबसे बड़ी गाड़ी विलक्षण निकलती थी, है ना। समझो विलक्षण उन्होंने कह दिया तो बहुत नाराज है वो। ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं चलेगा, आखिर हमको यही तो प्रकट करना है कि हम तुमसे बहुत असंतुष्ट हैं। तो हम जिस भी शब्द से अपने से असंतुष्ट को हम प्रकट करेंगे, ख्याल में आई ना, धीरे धीरे लोग समझने लग जाएंगे कि ये कहा तो ये है, हमको इतनी ज्यादा अपनी जबान खराब करने की क्या जरूरत है, है ना। इस लोक में ये हो गया ना, अधिक विस्तार से क्या लाभ है। इस लोक में मोहिनी आदि कर्म जाल वालों के स्वभाव प्रतिघात के कारण, जिनके मोहिनी कर्म आदि का जाल फैला हुआ है, उनका जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन स्वभाव, उसका प्रतिघात है, और आकुलता के कारण ये सुख को पकड़ा। सुखाभास होने पर भी उस सुखाभास को सुख कहने की अपार मार्थिक रूढ़ी है। ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, शास्त्र में भी उसे सुख कहा जाता है। एक जो अतीन्द्रिय मांस के सुख के दो भेद, एक अतीन्द्रिय सुख और एक इंद्रिय सुख। वो कहते हैं कि ये अपारमार्थिक, परमार्थिक नहीं है, ये सत्य नहीं है। परमार्थ माने सत्य होता है ना, ये अपरमार्थिक रूढ़ी है। अब है माने उसे भी जगत में सुख कहते हैं, सुख नाम से कहते हैं, और बहुत लोग कहते हैं। वो वास्तव में सुख है ही नहीं, फिर भी उसे लोग सुख कहते हैं। अभी ज्ञान में तो चौथे गुण स्थान से लेके बारहवें गुण स्थान तक जो ज्ञान है ना, उसको कोई अज्ञान नहीं कहता, वो तो सम्यक ज्ञान ही कहलाता है। पूर्ण ज्ञान नहीं है, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये सुख तो चौथे से बारहवें तक चक्रवर्ती वगैरह है ना, इसमें इंद्र हैं चक्रवर्ती, जिनकी चर्चा वो अगली गाथा से करने वाले हैं, वे सब उनके वो ही सुख है, और उसी सुख को सुख कहा है। वो अपरमार्थिक रूढ़ी आगम में भी इतनी गहराई से घुसी हुई है। हम यहाँ कहते जा रहे कि वो सुख नहीं है, सुख नहीं है, और फिर हम ही उसको सुख कहेंगे, हम ही कहेंगे चक्रवर्ती का सुख, फलाने का सुख, फलाने का सुख। रतन साहब का चार में तो पहले अध्याय में सम्यक दृष्टि दर्शन का स्वरूप है, तो बहुत अच्छा है। प्रसाद जी उपाय का और रतन साहब का चार का, अन्ना जी तो मेरे से कह रहे हैं कि अब आप इन दोनों अध्यायों का लिखो। लेकिन उसमें नहीं, बहुत बढ़िया है, लेकिन चक्रवर्ती होता है, इंद्र होता है, दो चार श्लोक इसी बात में लिखे हुए हैं अंत में। कौन सम्यक दर्शन शुद्धा बुद्ध मारक त्रेंत दो तो नहीं होता है। फिर बाद में जो दो तीन श्लोक हैं बोलो, वो तो है ही, एक एक छंद में सब कह दिए, लेकिन इनके अलग अलग छंद भी हैं। देवेंद्र चक्र महिमान हम ये मानम, राजेंद्र चक्र में अब नींद सरोच नियम, धर्मेंद्र चक्र में दृत सर्वलोकम, तो ये सारे पद, ये सारे सुख उसे मिलते हैं। मैंने उसे लोभ दे रहे, मेरे कहने का मतलब
जिनको कह रहे कि इनमें रंज मात्र सुख नहीं है, ये सिद्ध करेंगे उनको सुख कहने की अपरमार्थिक रूढ़ी जिनागम में भी है, ये कह रहे। इसलिए बार बार आएगा तो हमारे मुंह से भी निकलेगा, आचार्य कहते हैं हम भी कहेंगे कि चक्रवर्ती का सुख है, सुख नहीं है। गुरुदेव ये समझाते थे जब, तो वो इसको बहुत अच्छी तरह से कहते थे। वो जो ये घी का घड़ा है ना, ये घी का नहीं है। तो वे कहते पहले खुद ही कह रहे इसे घी का घड़ा, घी का घड़ा नहीं है, तो तुम उसे घी का घड़ा क्यों कह रहे हैं? तो वो कहते थे कि जगत में जिसे घी का घड़ा कहा जाता है, पहले हमारे अर्थ का तो ये है, और दूसरे का अर्थ वो घी का घड़ा नहीं है। तो पहली लेन में तो हमने व्यवहार की स्थापना की, और दूसरी लेन में हमने व्यवहार का खंडन करके परमार्थ की स्थापना की। ये जो प्रवचन साल ही प्रवचन साल में आएगा चरणानी सूचक चूलिका में, तो उसमें ये लिखा है ना कि हे पिता, तुम मेरे पिता नहीं हो। तो तुम पिता नहीं हो तो पिता क्यों कह रहे? हे माता, तुम्हें माता कह के संबोधन क्यों कर रहे? तो कहते पहले तो वो हमने व्यवहार दिखाया है एक ही वाक्य में, उसी में वाक्य में कि तुम मेरे माता पिता नहीं हो। तो अब अपन लोग कहते हैं, अपन तो ये तो कहेंगे, ये तो कहते जाएंगे क्या तुम हो मेरे माता पिता, तुमने हमारा बहुत उपकार किया है, और तुम्हें छोड़ के किसी कीमत पर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, मैं जैसे बहुत गलती कर रहा हूँ। वो तो वहां इतना कहने के बाद ये मानते ही नहीं हो कि तुमने कुछ किया है, तुम मेरे पिता ही नहीं मानते हो, पिता के नाते जो किया है उसको मानने का सवाल क्या है? और मैं अपने असली उस पिता के पास जा रहा हूँ जो मेरा असली पिता है, मतलब मैं अपने आत्मा के पास जा रहा हूँ। तो ऐसी भाषा व्यवहार की, इस सुख इसको सुख भी कहेंगे और उसको भी ज्ञान कहेंगे। वो बहुत ज्ञानी धर्मात्मा है, पंडित है, विद्वान है, ये सब बोलते हैं। आचार्यों को अपन बोल रहे ना, आचार्य भी तो सब उसी श्रेणी में है ना, सर्वज्ञ तो कोई नहीं है ना। अभी अपनी समस्या सर्वज्ञ होने की नहीं है, अपनी समस्या तो सर्वज्ञता का स्वरूप समझने की है, और तो सर्वज्ञता पर विश्वास होने की है। अब उस पर विश्वास होने की बात सामान्य रूप से हम अपनी 8 बरस की उम्र से सुनते आ रहे हैं अपने गुरुओं के मुख से, और वे उसकी स्थापना करते आ रहे हैं। लेकिन वे ही गुरु लोग जब ये बात हुई कि भविष्य की भी जान लेंगे, वो जान लेंगे तो भविष्य नक्की है, और नक्की है तो सारा तीन लोग तीन काल की जब बातें नक्की हैं, सुनिश्चित हैं, जब ये मुद्दा आया तो नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जो इतनी बात दब गई है और अपने इतने अल्प हैं, वो इतने विशाल बहुमत है उनका, वो बड़े प्रभावशाली लोग हैं, लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, फिर भी इसके विरुद्ध है, क्यों नहीं हमको कुछ कहते हैं? मेरा मतलब समझे ना, मैं क्या कहना चाहता हूं। हमने अब इतनी किताबें लिखी, तुम लोगों ने भी बहुत पढ़ी है, तो उनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं। जब यहां से कुंदकुन शतक लिखा गया था और उसे छप गया था, तो यहां से हम सारे देश में उसका एक माहौल बना था। तो उदयपुर गए थे, बहुत बड़ा फंक्शन था, तो उदयपुर में उनने 101 गाथाओं को जो है पद्यानुवाद, उसको बैनरों पर लिख के 101 बैनर पूरे बाजार में लगा दिए। 1.5 किलोमीटर का जलूस निकलना था,
एक डेढ़ किलोमीटर में पहली गाथा से लेकर के और अंतिम गाथा तक ऐसी बाजार में लगा दी। फिर जुलूस निकला तो बस बेज छंद बोलते जाए, बोलते बोलते सब लड़के खूब गा रहे, सबको याद थे, सारे कंठस्थ याद थे और बोलते जाके निकल रहे थे। वहां एक माताजी थी, तो उनने कहा कि हमें इसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये गाथाएं तो अष्टपहाड़ की मतलब कुंद कुंदाचारी की है, और उनने तो कहा है, लेकिन ये दस दस आठ दस दस वर्ष के छोकरे और बीच बाजार में वे गाथाएं गाते जाते हैं कि जो नारियों से मोहे करते नारियों से और श्रवण नहीं करिए, बोलो दो चार गाथाएं है ना, है याद क्या नहीं है। उस वक्त तो सबको एक एक बच्चे बच्चे को याद रहते थे फटाफट, वे श्रवण नहीं करियंत हैं, वे श्रवण नहीं करियंत हैं, तो ये गाते हैं तो हमारी छाती भरती है, ऐसा बोला था। उनका मुझे नाम भी मालूम है, वो माता जी का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। क्या क्या बोलो, पढ़ो पढ़ो। गाथाएं हैं ये कुंद कुंद की गाथाएं हैं, वो बहुत स्पष्ट लिखी हैं, ना तो ने कुंद कुंद की गाथाओं से कोई इनकार कर सकता है। तब जब भी लिखी थी ना तब भी कुछ लोगों ने मेरे से कहा था, खासकर जहाँ एक मिनिस्टर साहब थे त्रिलोक चंद जैन, वे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, और वो यहाँ टोंग गया तो वो प्रदून ने कहा तो ये आप क्यों हटा दो, क्यों हटा दें, साथ में कुंद कुंद लिखी है, कुंद कुंद की गाथाएं हैं, आए तो हम विचार तो करें एक दफे देखें। तो बोले सिलेक्ट तो आप कर रहे हैं ना, 2000 गाथाओं में चुनने का काम तो आप कर रहे हैं ना, इसलिए आप तो बच नहीं सकते। तो मैंने कहा भाई जो कुंद कुंद सदक बना रहे हैं तो, लेकिन हमको बहुत ही डर था, हम बहुत तैयारी के समझ के अभी बहुत उपद्रव होगा और हमारे ऊपर प्राण घातक हमले भी हो सकते हैं, ऐसा सोच के छपाए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ सारे देश में। ये कुंद कुंद की ताकत थी, क्यों, क्योंकि यदि कोई कुछ भी उसमें करता है ना तो वो बात और इलाज होगी, कुंद कुंद ने कहा कि नहीं कहा वो देख लो। तो वो जैसे ये गाथा में लिखाना उससे ज्यादा कठोर भाषा है उसमें, इसमें तो मैंने कोमल भाषा कर दी, वो कठोरता भाषा की हटाई है। आप देखेंगे कि मूल गाथा को देखेंगे उसका अर्थ जो पहले देखे लिखेंगे जयचंद जी छावड़ा वगैरह ने यहाँ से लिखा है, तो इससे बहुत ये है, लेकिन उतनी बात मतलब वो चलती थी, ऐसी सर्वज्ञता, ऐसी क्रमबद्ध पर्याय, ये अपने सिद्धांत इतने मजबूत हैं, इसके पीछे समझ लो हमारी पूरी दिगंबर परंपरा, श्वेतांबर परंपरा, सब हमारी जैन परंपरा, तीर्थंकरों की परंपरा है, और उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। बस वो दबे पड़े थे शास्त्रों में, हमने तो उसे बस बाहर लाया है, निकाला है, अपन ने क्या किया, एक वो दो वो तो है ना छंद, तो
अब हमने मान लो उसको लिखा करके बाहर लिखा दिया, लेकिन वो गाथा नहीं हो ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सर्वज्ञता की बात है। मेरे मन में ये बात बहुत है कि सर्वज्ञता किरमत पर्याय इनकी चर्चा बंद हो गई है, मुझे दुख है। चर्चा चलना चाहिए, चर्चा चलना चाहिए मैंने इसे विरोध में भी लेख लिखे जाए, तो समर्थन में लिखे जाए, तो लोग चिंतन तो चले, लोग पढ़े तो इसके लिए क्या। यदि सामने वाले कोई विरोध में लेख नहीं लिखते हैं तो अपन ही लिखे। जैसे अपने यहां बात बात करते हैं ना, तो बात बात अपन करते हो तो जो तुम बोल रहे हो तुम उसी पक्ष के हो ऐसा थोड़ी है। नहीं, जो पक्ष तुम्हें दिया जाता है अपनी बुद्धि से तर्क युक्ति से लगा करके उसे सिद्ध करने की कोशिश करते हो ना, माने वो हमारा विषय चर्चित कैसे रहे, चर्चित कैसे हो। अभी देखिए जी आ गई समाधि, समाधि मरण की बात। अब अपन ने तो कुछ नहीं किया ऐसे है, और वो एकदम चर्चित हो गई। अब अभी क्या है, हर एक आदमी समझना चाहता है। ये अपनी किताब गई है ना, 20 जगह से मेरे पास लिखा था, उसने पूरी पढ़ ली, पूरी तीन, कोई ना तीन दफा पढ़ ली। जो आदमी कभी कोई पढ़ता ही नहीं था, यानी आज तक इतनी किताबें गई, लेकिन वही आदमियों ने हमसे ये नहीं कहा कि हमने इस किताब को पढ़ ली। भोपाल के ऐसे लोग तुम बता रहे थे जिनके नाम, उनने कोई किताब पूरी पढ़ी होगी ऐसा नहीं, यही किताब पहली दफे पूरी पढ़ी, हो सकता है अंतिम दफे भी यही पढ़ी। मैंने इसके लिए भी ऐसा वातावरण बनना जरूरी है ना, मेरे कहने का मतलब ये है। अब बात ऐसी आई कि उसकी वजह से कुछ आफत अपने पे आ सकती है, तो आ जाएगी, भोगेंगे, माफी मांग के निकल जाएंगे। अपने माफी काय को मांगेंगे, यदि निकलते हैं शांति से तो निकल जाएंगे, हमें क्या करना, कौन सी बड़ी बात है। मेरा मतलब ये है कि चर्चा का विषय तो बने सर्वज्ञता, कि भाई सर्वज्ञता के बिना तुम सच्चे भगवान के पुजारी ही नहीं हो। तुम सर्वज्ञ नहीं मानते हो यदि इनको, तो तुम सच्चे भगवान के ही स्वरूप नहीं समझते हो। तुम्हें मंदिर बनाने का अधिकार नहीं है, तुम्हें पूजा करने का अधिकार नहीं है। बोले वो कह दो क्यों नहीं है, कि सर्वज्ञता को समझो, उनका स्वरूप सर्वज्ञता है। तो सच्चे देव को नहीं पहचानोगे तो क्या तुम्हारा अधिकार कहलाया, ख्याल नहीं ना। भी छोड़ेंगे नहीं, और ना अपन ही चाहते हैं कि वे पूजा बंद कर दे रहे हैं। अपन अपन थोड़ी है चाहते हैं कि पूजा बंद कर दे रहे हैं, अपन तो उन्हें उकसाते हैं कि इसके लिए वे समझने को तैयार है, इस पर चर्चा चले, इस पर बात चले कि जे ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं, आज तक तो किसी ने नहीं कहा। देखो शिक्षक विधान कराओ तो उसके बीच में जो सर्वज्ञता की बात आए तो पूरा व्याख्यान उस पर करो, बाकी आगे पीछे की लहनों को उड़ा दो, कोई ऐसी बात नहीं है, समझे ना। तो ये जो महत्वपूर्ण विषय हैं कि जिन्हें समझे बिना सचमुच ही जैन धर्म का आरंभ नहीं होता, और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें समझ लेने के बाद फिर और समझना बाकी नहीं रह जाता है। कई दफे मेरे मुंह से ये बात निकल गई बार बार, क्या तो ये सर्वज्ञता का स्वरूप समझना चाहिए हैं। और अभी मैं तुमको कहता हूं, पहले से ही तुम ये मत कहो कि यदि सर्वज्ञता को तुम मानोगे तो तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय माननी पड़ेगी। पहले उसे सर्वज्ञता को समझने की जिज्ञासा तो जगने दो, उस कारण से वो विचार तो करे, वो 10-5 पेज तो पढ़े, देखे तो सर्वज्ञता क्या है ना, फिर उसमें से जब आएगा बाद में तब देखा जाएगा। अभी तो वो जीरो से स्टार्ट ही नहीं करता, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने तो कोई कमी नहीं रखी, बालबोध पाठमालाएं बनाई थी ना, जो अपन ने लिखी वो नहीं, उसके पहले भी जो लिखी थी दादा, उनमें भी उनने सर्वज्ञ विद्रागी हितोपदेशी और सर्वज्ञ हो वो भगवान है, सापकाचार में भी लिखा, खेड़ाला में भी,
मेरा मतलब ये सब लिखा था, वो उनने अपनी कसर नहीं छोड़ी, जिनसे जितना बना वो सब चीज उसमें विद्यमान है और इतना असर पड़ता है। आप समय सार की गाथा निकाल के बताओ तो बिल्कुल मुर्दा से बैठे रहेंगे, और पूजन की एक पंक्ति में से निकाल के बता दो क्या, तो एकदम सतर्क हो गए, सुन जाएंगे। पुण्य पाप अधिकार पूरा पड़ जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। और उनको दो लाइनें सुनाओ, पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश, सोलह कारण गुण करें हरे चतुर गति बास, पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। इसमें लिखा है, पूजन में लिखा, ये तो हम हमेशा ही पढ़ते हैं, है कि नहीं। मेरा मतलब ये है, इन्हीं में वो सब चीजें हैं, और इन्हीं में से निकाल के बताओ तो उनको लगता है ये हमारी है, और समय सार में को बताओ तो उनको लगता है कि ये हमारी नहीं है, ये तो सोनगढ़ वालों की है। अब जो जो जिस कुंद कुंद पे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो, उन्होंने तीसरे नंबर पे रखा था, ये कोई कांजी स्वामी का बनाया नहीं है, ये हजारों वर्ष पुराना छंद है। हमने जिन्हें तीसरे नंबर पर रखा था और बाकी सब आचार्यों को उनमें ही शामिल किया था, कुंद कुंदाद्यो आदि कहकर के, आज हम वो कुंद कुंद भी हम उनके हो गए, उन्हें बेच दिया हमने, फिर कांजी स्वामी के हो गए। अब कोई मुनिराज जो है समय सार पर प्रवचन करते हैं, तो बहुत से लोगों को लगता है अरे अब ये करने लगे, अब ये अच्छी बात है ना, ये हमारी सफलता है। हम चाहते थे कि समय सार को मार्केट में लाएं, और भी समय सार को कहते थे ग्रस्तों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं, छपना ही नहीं, छपाने में पाप है इसके, पढ़ने में पाप है कहते थे ना। अब वे सब पढ़ने लगे, इतनी तो सिद्ध हो गई कि समय सार नहीं पढ़ने लायक नहीं है बल्कि पढ़ने लायक है। ऐसा बहुत उल्टा सीधा अर्थ करते हैं। अब वो अर्थ में हम निपटते रहेंगे बाद में, जो भी समझदार लोग होंगे वो हमारा लिखा अर्थ भी देखेंगे, उनका भी देखेंगे, और उनमें विवेक होगा, गहरा अध्ययन करेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा सच्चा कौन है। लेकिन एक दफे चर्चा का विषय तो बने, चाहे पक्ष में बने चाहे विपक्ष में बने, अब चर्चा खत्म हो गई वो सैद्धांतिक विषयों की, और बस बाहरी बातों की रह गई कि ये मुनियों को नहीं मानते, कि ये नहीं करते, कि ये नहीं करते, ये नहीं करते, ऐसी बातों की बात रह गई जिनमें कोई दम नहीं है क्या। उन बातों पर चर्चा होती है, हम पर वो आरोप लगाए जाते हैं, हम पे क्रमबद्ध का आरोप लगाओ ना कि हम क्रमबद्ध मानते हैं और क्रमबद्ध जैन धर्म में नहीं है, ये बोलो ना क्या, तब वो बात तो चले। ये अपना हो गया था पूजा गाथा के बाकी है। इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, आज का समय हो गया, कल अपन पढ़ेंगे ये जो नीचे लिखी है ना, इसमें काफी बातें हैं। एक नए प्रभाचंदाचारी की प्रवचन सारगी सरोज भास्कर टीका की बात दी, मैंने कई ग्रंथ रखे थे लेकिन उसमें संकल्प था कि अमृतचंद को तो टीका पूरी रखना, जैसे इनकी जहाँ बहुत जरूरी जरूरी बातें हों वो रखना, और बाकी के लोगों का जो बात और जब इन्हा नहीं हो और अकेली उसी में हो तो उसका वो रखना। तो ये जो टीका है, जब हमने लिखी प्रत्येक गाथा की तब हर दफे इसको भी देखा, लेकिन इसमें एक नई बात लिखी तो वो हमने इसमें उनको दी, क्योंकि सबकी देने लग जाए तो फिर बहुत लंबा पुथन होता है ना। तो प्रयोजन भूत सब दी है, वो कोई छूटी नहीं है। जैसे कि बारह भावना एक अनुशीलन किताब पढ़ी तुमने, तुम्हारे कोर्स में उसमें है क्या, नहीं है, तुम तो कोर्स ही की पढ़ते हो, वैसे तो पढ़ते नहीं हो बाकी, अब कहीं कोर्स में रखो उसे। तो बारह भावना 2000 वर्ष में जितनी बारह भावनाएं लिखी गई उनमें एक नहीं छूटी,
आप कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हजारों लिखेंगे क्यों? हर प्रथमानियों के ग्रंथ में जब कोई मुनि दीक्षा लेता है तो बारह भावनाओं का चिंतन करता है, तो उस पुराण में बारह भावना मिलेगी। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें बारह भावना का वर्णन नहीं हो, तो सब कैसे हो सकते हैं? तो सबका मतलब समझ में आया क्या? एंगल, कितने एंगल, जो एंगल ने एक ही एंगल से सौ ने लिखी तो उनमें से हम एक को लेंगे जो बढ़िया दिखेगी, उनमें से जो प्रसिद्ध आचार्य होगा जो होगा, बाकी जो उससे अलग हटके बात होगी जो वो दूसरे की लेंगे, फिर उससे अलग हटके होगी तो वो तीसरे की लेंगे, उससे अलग हटके होगी तो वो चौथे की लेंगे, तो वो फिर उसके अलावा कोई ऐसी बात हमें मिली नहीं, वो बात उसमें नहीं छूटी है। जैसे कि मान लीजिए बोधि दुर्लभ भावना, उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि बोधि दुर्लभ का अर्थ रत्न, बोधि माने रत्नत्रय होता है, रत्नत्रय दुर्लभ है, बहुत कठिन है, ये बात तो 90% ने लिखी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, जो बोधि दुर्लभ भावना में बोधि दुर्लभ नहीं है ये बात भी लिखी, तो वो हम खोज के लाए और वो रखी हमने वहां, आप समझे ना, उससे उल्टी भी लिखी, फिर अनित्य भावना में रोया तो सबने मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, मौत आ जाएगी, है ना। लेकिन कोई ये कहता है कि जब अनित्यता वस्तु धर्म तो क्यों कर दुख कर हो सकती, और जब ही स्वभाव दुखमयी हो तो सुखमयी कौन सी हो सकती, जब अनित्यता वस्तु का स्वभाव है कि नहीं तो दुखमयी कैसे हो सकती, और वो सुखमयी है इसको अनेक युक्तियों से सिद्ध किया, तो ऐसा कोई एंगल नहीं है जो 2000 वर्ष में आया हो और उसमें नहीं आया हो, तो आप कितनी बड़ी उपलब्धि कर लेते हैं। 2000 वर्ष की सारी बारह भावनाओं के जितने भी एंगल हैं वो 150 पेज की किताब को पढ़कर आप वो सब जान सकते हैं, आपको पता नहीं, पता चलता तो तुम पढ़े बिना नहीं रहते, पर अब चल गया है क्यों है? तो पढ़ सकते, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम बहुत कोई चीज रह जाती है महत्वपूर्ण, आपको पता नहीं कि किस क्या किस एंगल से हमें देखना चाहिए, इसलिए पढ़ भी जाओगे तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब इस एंगल से देखोगे तो आपको वो उसकी महिमा ख्याल में आएगी कि हम इतना हमने कितना अध्ययन हमें नहीं करना पड़ा और ये ज्ञान हमको यहाँ पर मुफ्त में ही मिल गया।